हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSL एकेडमी। आज के इस ऑडियो सेशन में झारखंड GK का शुरुआत कर रहे हैं और इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है झारखंड का सामान्य परिचय। झारखंड के सामान्य परिचय से भी विभिन्न प्रश्न झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिले हैं और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इसके हर प्रश्नों को और उसके उत्तर को ध्यान से सुने और आत्मसात करें। पहला प्रश्न है, झारखंड भारत का किस नंबर का राज्य बना? आंसर है 28वां राज्य बना। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो झारखंड राज्य का स्थापना दिवस जो है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कौन है? तो इसकी सांस्कृतिक राजधानी है देवघर। झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? उपराजधानी इसकी है दुमका में। झारखंड की राजधानी कहाँ है? राजधानी है रांची। झारखंड का उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 15 नवंबर 2000 को। झारखंड का जो उच्च न्यायालय है जिसका गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया, वो गठन के क्रम में कितना नंबर का है वो उच्च न्यायालय? तो देश का 21वां उच्च न्यायालय था झारखंड के रांची में स्थित उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो झारखंड राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा के बारे में अगर बात करें तो झारखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा कौन है? उर्दू। झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी जो है वो जमशेदपुर है। झारखंड उच्च न्यायालय प्रारंभ में किस उच्च न्यायालय का खंडपीठ था? तो ये पटना उच्च न्यायालय का खंडपीठ था। झारखंड राज्य का प्रथम राजकीय चिन्ह जो था उसमें कितने जे अक्षर थे? आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 2021 को झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह लागू हुआ है। इससे पहले भी एक प्रतीक चिन्ह था, उसके बारे में प्रश्न है कि जो प्रथम राजकीय चिन्ह था उसमें कितने जे अक्षर थे? तो 4 जे अक्षर थे। इसकी डिजाइन किसने बनाया था? तो इसकी डिजाइन जो है वो अमिताभ पांडे ने बनाया था। झारखंड के प्रथम राजकीय चिन्ह के जे अक्षरों के बीच क्या बना हुआ था? तो जे अक्षरों के बीच बना हुआ था अशोक चक्र। झारखंड का नया राजकीय चिन्ह को कब लागू किया गया? तो झारखंड का नया राजकीय चिन्ह को लागू किया गया था 15 अगस्त 2020 को। 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, गलती से मैंने 15 अगस्त 2021 बोल दिया था। 15 अगस्त 2020 को झारखंड का नया राजकीय चिन्ह को लागू किया गया था। नए राजकीय चिन्ह में हरा रंग की क्या विशेषता है? नए राजकीय चिन्ह में जो हरा रंग है, आप देखेंगे तो राजकीय चिन्ह आपको हरा भरा दिखाई देगा। हरा रंग की ये विशेषता है कि ये बताता है हरी भरी धरती एवं वन संपदा को, जो कि झारखंड में परिपूर्ण है, झारखंड में भरा हुआ है। इस नए राजकीय चिन्ह में हाथी भी है और हाथी क्या बताता है, हाथी की क्या विशेषता है? तो हाथी राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और समृद्धि का द्योतक है।
झारखंड का राजकीय चिन्ह अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पलाश का फूल भी दिखाई देगा। पलाश का फूल क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी क्या विशेषता है? तो पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। इस नए राजकीय चिन्ह में कौन सी चित्रकारी है? तो इसमें सौरा चित्रकारी है। सौरा चित्रकारी की क्या विशेषता है, क्या रिप्रेजेंट करता है वो? सौरा चित्रकारी जो कि झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में है, राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को रिप्रेजेंट करता है, राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। अशोक स्तंभ भी है झारखंड के नए राज्य चिन्ह में, उसकी क्या विशेषता है? उसकी विशेषता है देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करना। ये जो नया राजकीय चिन्ह है उसकी आकृति कैसी है? उसकी आकृति है गोलाकार। नए राजकीय चिन्ह में कुल कितने मानव आकृति की संख्या है? मानव आकृति की संख्या की बात करी जाए तो टोटल मानव आकृति की संख्या है 24 जोड़े। 24 जोड़े मतलब 48। तो कुल 48 मानव आकृति है झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में। झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में कुल वृत्ताकार घेरों की संख्या कितनी है? झारखंड के नए राजकीय चिन्ह में कुल वृत्ताकार घेरों की संख्या कितनी है? कुल वृत्ताकार घेरों की संख्या 7 है। कितनी है? 7। झारखंड के नए राजकीय चिन्ह हाथी और पलाश की फूलों की कितनी संख्या है? तो हाथी और पलाश के फूलों की संख्या कितनी है? 24 है। एक बार मैं सबको कंक्लूड कर देता हूँ। मानव आकृति की संख्या की बात करी जाए तो 24 जोड़े हैं, यानी कि 48 है। अगर वृत्ताकार घेरों की संख्या की बात करी जाए तो 7 हैं। आप याद रखिएगा सर्कल 7 सर्कल। हाथी और पलाश के फूलों की संख्या की बात करी जाए तो 24 है। और अगर हम लोग बोलें कि नए राजकीय चिन्ह की आकार कैसी है तो ये गोलाकार है। अब बात करते हैं हम लोग झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पशु है हाथी, जो कि इसके राजकीय चिन्ह में भी है। झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? तो झारखंड का राजकीय पक्षी है कोयल। राजकीय वृक्ष क्या है झारखंड का? तो यह है साल। झारखंड का राजकीय फूल किसे घोषित किया गया है? तो पलाश के फूल को घोषित किया गया है। झारखंड का राजकीय पशु जो है, यानी कि हाथी, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस। झारखंड का राजकीय पक्षी यानी कि जो कोयल है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कोयल का वैज्ञानिक नाम है क्यूक्यूलस कैनोरस। कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्यूक्यूलस कैनोरस। राजकीय वृक्ष जो है झारखंड का, वो है साल। और साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साल का वैज्ञानिक नाम है शोरिया रोबस्टा। झारखंड का राजकीय फूल जो है कौन सा फूल है? पलाश का फूल है। ये राजकीय चिन्ह में भी दिखता है, जो कि झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। तो पलाश के फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया फ्रोंडोसा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया फ्रोंडोसा। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।